हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आइकॉनिक इंग्लिश। आई होप आप वीडियोस को देख रहे हैं और इंग्लिश सीख रही हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा बेसिक होता है। अगर हमें ये बेसिक्स नहीं आते तो हमें आगे एरर स्पॉटिंग में और अच्छा 9th-10th की जो ग्रामर होती है, 11th की ग्रामर होती है, उसमें एरर स्पॉटिंग आती है, और कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी एरर स्पॉटिंग आती है, और कहीं पे इंसर्ट करने होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें ना, तो ये जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वर्ब क्या है, और इन दोनों के बीच में समझौता क्या होता है। ठीक है, क्या चीज़ें हैं ये, अगर आपने इस बारे में पहले नहीं सुना है या सुना है और इसके अंदर क्या होता है नहीं पता है, तो चलिए आज की वीडियो हम इसी पे बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट, पहली चीज़ तो ये है कि सब्जेक्ट हम पहले भी वीडियोस में अपनी बता चुके हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी नाउन प्रोनाउन जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए, ठीक है, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट जनरली हमारे नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल की। सिंगुलर और प्लूरल क्या क्या होते हैं। सिंगुलर भाई वो होता है जो एक ही होता है क्वांटिटी में, जिसकी मात्रा जो होती है वो एक ही होती है, उन चीज़ों को हम सिंगुलर चीज़ें कहते हैं। और जो हमारी एक से ज़्यादा होती हैं वो हमारी प्लूरल में आती हैं। अब सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, अगर हम सब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं तो सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं ये भी जानना ज़रूरी है, और सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। सिंगुलर नाउन हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी नाम किसी भी जगह का, ताजमहल, आगरा, सिटी, ये सब एक एक है ना, रीता, सीता, गीता, श्याम, राम, ये सब एक एक है। तो ये एक एक है, इसलिए क्या होता है कि हमारा ये सब जो है हमारे सिंगुलर नाउन के अंदर आते हैं। अब सिंगुलर प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इन्हीं के जो रिप्लेसमेंट में हम यूज़ करते हैं, प्रोनाउन वही तो होते हैं ना जो हम नाउन के जगह पे यूज़ करते हैं वर्ड्स को, तो वो क्या है, ही, शी, इट, ये सारे हमारे सिंगुलर प्रोनाउन्स होते हैं। प्लूरल की अगर बात करें तो कोई भी नाम जो दो या दो से ज़्यादा है, जैसे कि मैंने अगर कहा कि राम एंड श्याम, है ना, राम एंड श्याम मैंने कह दिया, तो अगर हम इन दोनों की जगह पे यूज़ करेंगे कोई और प्रोनाउन नाम हम यूज़ करना है तो हम वी यूज़ करते हैं या फिर दे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक से ज़्यादा हैं इसलिए ये क्या हो जाते हैं, हमारे प्लूरल हो जाते हैं। प्लूरल प्रोनाउन हमारे आई और यू, अब आप कहेंगे आई और यू जो है वो एक एक ही होते हैं भाई, उनको क्यों आपने प्लूरल बोला, तो इनको प्लूरल में ही कंसीडर किया जाता है, वी और दे इनके अलावा। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट की हमने बात कर ली, अब वर्ब क्या होते हैं। वर्ब से यहाँ मतलब है मेन जो बात होती है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हमें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, पहले तो ये आप जान लीजिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि दे आर प्लेस बिफोर अ मेन वर्ब टू हेल्प इट कम्प्लीटिंग द सेंटेंस। जो हमारा मेन काम होता है ना उससे पहले हम कुछ वर्ड्स को ऐड करते हैं सब्जेक्ट के बाद, ताकि सेंटेंस जो है वो पूरा करे बने। अब जैसे मैंने बोला दे गोइंग, तो ये कोई सेंटेंस ठीक ठाक सा कंप्लीट सेंस नहीं बना। ठीक है, हम अगर बोल दिया हमने दे आर गोइंग तो वहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब वही होते हैं जो हम वर्ड्स ऐड करते हैं मेन वर्ब से पहले सेंटेंस को कंप्लीट करने में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, और फ्यूचर के लिए विल। देखिए इज, एम, आर जो है ना हमारे यहाँ पे, ये तो है हमारे प्रेजेंट। वॉज, वर जो है हमारे ये पास्ट है। डू, डज पास्ट होता है,
सॉरी डू डज जो होता है वो प्रेजेंट होता है और डू डज क्या ही पास्ट होता है डिड, ऐसे ही हैज हैव हमारे प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं का अगर पास्ट फॉर्म करना हो तो वो हैड हो जाता है। विल आपको पता ही है फ्यूचर के लिए होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यहाँ पे बात आती है कि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या समझौता होता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाया जाए, ये बात होती है। देखिए इस होता है हमारा सिंगुलर होता है, इसके साथ हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी नाम के साथ हम ही शी इट ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है एम की, एम हम कहाँ यूज़ करेंगे, हम एम हमेशा हर केस में आई के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। आर, आर हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, जैसे वी दे, ठीक है, इनके साथ यूज़ कर सकते हैं या फिर जो एक से ज़्यादा क्वांटिटी में है। और जैसे मैंने बोला प्रीशियस मेटल्स आर एक्सपेंसिव, तो प्रीशियस मेटल्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो वो ये नाउन हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ हम आर लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। अच्छा ये तीन जो है ये हमारे क्या है, प्रेजेंट है। फिर आते हैं इन दोनों पे, ये होते हैं हमारे पास्ट। पास्ट में ये वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, अगेन ही शी इट के साथ। वर्ब जो है यू आई और हमारे जितने भी प्लूरल होते हैं एक से ज़्यादा, वी दे इनके साथ। अगेन ऐसे ही हैज़ हैव, ये दोनों जो है ये परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ हैव का यूज़ होता है और हैड का भी यूज़ होता है। हैज़ जो होता है वो सिंगुलर होता हैव जो होता है वो प्लूरल होता है। हैड की अगर हम बात करें तो हैज़ हैव का ही पास्ट फॉर्म होता हैड, ये भी परफेक्ट में ही यूज़ किया जाता है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। टेंस में हम इनको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे क्या होते हैं कैसे होते हैं। फिर आती है बार डू डज की और डिड की। डू डज दोनों जो हैं ये जो हैं प्रेजेंट है, डिड जो है इन्हीं का पास्ट है, ठीक है। डिड दोनों में यूज़ होता है, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं होता है हैड की तरह, और डू जो है वो प्लूरल है, डज जो है वो सिंगुलर है। विल जो होता है वो दोनों में कॉमन होता है, पहले शैल यूज़ किया जाता था प्लूरल के लिए, लेकिन आज जो है ज़्यादातर 99% विल ही यूज़ किया जाता है हर चीज़ों के लिए, तो आप इसमें कन्फ्यूज़ मत होना कि किसके लिए क्या लगाएं, आप विल दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो, और ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसमें ध्यान से पढ़िएगा, जो भी क्वेरीज हो आपकी आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग गाइस, कीप लर्निंग, थैंक यू।